पाकिस्तान में हज ऑपरेशन तकरीबन मुकम्मल हो गया, लेकिन लाहौर से 113 आज़मीन हज हिजाज मुकद्दस जाने से रह गए। मज़ीद जानते हैं समा के नुमाइंदे मोहम्मद आसिम नसीर हमारे साथ मौजूद हैं। आसिम बताइए, ये 113 आज़मीन रवाना क्यों नहीं हो सके, वजूहात क्या थी? जी बिल्कुल, इस वक्त पाकिस्तान में जो हज ऑपरेशन है वो तकरीबन मुकम्मल हो चुका है और लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर से जो फ्लाइट का सिस्टम था दीगर शहरों से, वो कराची से, वो तमाम मुकम्मल हो चुकी है। और अभी हमारे पास जो ये समा के पास खसूसी तौर पर कुछ डॉक्यूमेंट्स आए हैं जिनमें 113 आज़मीन हैं जिनके हज के उम्र के वीज़े जो हैं वो लग चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद के उन्हें एक बैंक ट्रांसफ़र में जो उनके पैसे होने थे उसमें ट्रांसफ़र और टेक्निकल इशू के बाइस उनकी जो फ्लाइट है वो निकल गई है और इस वक्त ये 113 आज़मीन जो है वो लाहौर में मौजूद है और वो समा के तवसत से वज़ीर आज़म पाकिस्तान और वफाकी वज़ीर हवाबाजी उनसे वो अपील कर रहे हैं कि इन 113 के लिए खसूसी तौर पर एक पीए की प्रवास चलाई जाए क्योंकि इनके वीज़े लगे हुए हैं, इनके तमाम पैसे ये पे कर चुके हुए हैं और फ्लाइट की दस्तियाबी ना होने के बाइस ये अफराद हज जैसे मुकद्दस फरीज़ को सर अंजाम देने के लिए इस वक्त यहाँ पर वो पीए के रहमो करम पर हैं। और इस वक्त उनकी तरफ समा से खसूसी गुफ्तगू करते हुए इन आज़मीन ने बताया कि उन्होंने अपने तमाम जो पैकेज था वो मुकम्मल करा लिया था, जिनमें 50 के करीब जो है वो प्राइवेट हज टूर के हैं और दीगर जो अफराद हैं वो सरकारी हज के कोटे से थे लेकिन उनका लेट हुआ जिसके बाइस वो जा नहीं सके। तो इस वक्त 113 ये आज़मीन है जो पाकिस्तान में और वो हज बैतुल्लाह के लिए जाने के लिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान और वफाकी वज़ीर हवाबाजी से अपील कर रहे हैं। ठीक, तो ये अपील की जा रही है आज़मीन की जानिब से कि उन्हें जाने की इजाज़त दी जाए, खसूसी तौर पर पीआईए की परवाज़ चलाई जाए। बहुत शुक्रिया आपका आसिम तफसीलात से आगाह करने के लिए। तो ये 113 आज़मीन जो कि रवानगी से रह गए, क्या कहना इनका आपको सुनवाते हैं। जो पेमेंट फॉरेन रेमिटेंस पेमेंट जो है वो टाइम पे क्लियर नहीं हुई जिसकी वजह से हमारे वीज़े लेट हो गए हैं। तो हमारी गुजारिश है कि आज आखिरी फ़्लाइट थी पाकिस्तान से हज के लिए, तो हमारे लिए एक स्पेशल फ़्लाइट अरेंज कर दी जाए। काफ़ी सारे लोग हैं जो परेशान बैठे हैं, हमारी ये पीएम साहब से गुजारिश है। बैंक की एरर की वजह से इनकी रेमिटेंस ट्रांसफ़र नहीं हो सकी, सो अब इनकी रेमिटेंस ट्रांसफ़र हुई है तो अब फ़्लाइट कोई प्रोवाइड नहीं है, तो काइंडली इनको स्पेशल फ़्लाइट की परमिशन दी जाए। दो कंपनीज जिन्हों के पैसेंजर्स रह गए ने, ये थोड़े उससे दुआगो ने, पाकिस्तान उससे दुआगो ने, साड़ी इस रिक्वेस्ट उत्ते स्पेशल जरा हमदर्दाना गौर किया जाए और एक स्पेशल फ्लाइट जी चलाई जाए। जजाकुल्लाह खैर, वाहसन जजा।